हमारे साथ मदन मोहन जी हैं, हिंदू पक्ष वकील। सर, क्या आदेश आज हुआ है और कितनी बड़ी जीत है ये आप लोगों के लिए? निसंदेह हम अत्यंत हर्षित हैं। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया है और एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई में किसी प्रकार की कमी, लूप होल न रहे, इसके नाते उसकी समस्त बाधाओं का निराकरण करते हुए स्पष्ट आदेश है 17 मई तक इसको जमा करना है। दो और सहायक एडवोकेट कमिश्नर रहेंगे अजय कुमार मिश्र जी के साथ और यह संपूर्ण परिसर की कार्रवाई होगी। कहीं भी कोई बाधा उत्पन्न होता है ऐसी दशा में जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी और उत्तर प्रदेश प्रशासन इसमें सहायक होगा, सहयोग करेगा। मुस्लिम पक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा था कि पिछला जो आदेश है उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि मस्जिद में कहाँ तक जाना है, नहीं जाना है, तो वो क्लियर इस आदेश में हो गया। उस सभी समस्याओं का निराकरण समाधान इस बार कर दिया गया। जहाँ ताले लगे हुए हैं वहाँ पे ताले तोड़ के भी बैरिकेडिंग के अंदर जाके और ये अराजक मानसिकता का निवारण कर दिया गया है और इस विषय में यह सांस्कृतिक न्याय की लड़ाई में महादेव की कृपा हमें प्राप्त हुई है। अच्छा सर, ये बताइए, सिर्फ पांच दिन का वक्त बचा हुआ है जब तक रिपोर्ट देना है, इस 5 दिन में सर्वे कब होगा, इसके बारे में कोई डिटेल? तिथि निर्धारित नहीं है, बैठक होगी उसमें तय किया जाएगा कि कब चला जाएगा। अच्छा, ये दो और को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किए वो कौन है? इसमें दो विशाल सिंह जी, विशाल सिंह और अजय कुमार, एक और भी हैं, वो दो 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 अजय कुमार हैं और एक विशाल सिंह जी, जी। एक अजय, एक विशाल। अच्छा, ये बताएं कि आप लोग कितने आश्वान्वित हैं, जो मांग की गई थी वो आप पहले से आश्वान्वित थे कि ये सारी बात मांग? निसंदेह अब तो हम और आश्वान्वित हैं क्योंकि कोई भी मिन मेक किंतु परंतु का समस्त समाधान कर दिया गया है। एक बड़ा आरोप ये लगाया जा रहा था मुस्लिम पक्ष के द्वारा कोर्ट कमिश्नर के ऊपर में कि वो खरोंच रहे थे, वो सबूत के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, तो उसके बारे में कुछ अगर आदेश होता तो उनको हटा दिया गया था, उनका तो और बल प्रदान कर दिया गया, दो और सहायक नियुक्त कर दिया। नहीं बदले जाएंगे, अजय कुमार मिश्रा के साथ विशाल सिंह भी लगाए गए हैं और किसी कोई अगर हिला हवाली करता है, कमिश्नर कार्रवाई में अनुपस्थित रहता है तो भी कमीशन कार्रवाई होगी और कमीशन कार्रवाई में यदि कोई विरोध करता है उस पर FIR दर्ज होगा, मुकदमे किए जाएंगे। हाँ, साथ में दो अजय कुमार मिश्रा, विशाल सिंह। 17 मई तक रिपोर्ट दाखिल कर देनी है, यह अजय कुमार मिश्रा विशाल सिंह डेट तय करेंगे। हर चीज के स्पेसिफिक आदेश की बात थी, हर चीज का अलग अलग उन्होंने आदेश कर दिया और सारा अधिकार जिलाधिकारी क्या है सबको है, क्या है दे दिया, ताला खोल करके ताला तोड़ करके कमीशन कार्रवाई का आदेश मिल गया। उसका स्पष्ट आदेश कर दिया कि जिलाधिकारी उसको ताला खोलवा करके तोड़वा कमीशन कार्रवाई कराए, यदि कमीशन कार्रवाई में कोई विरोध करता है उस पर FIR दर्ज करे और मुकदमे कार्रवाई करे। कमीशन दौरान कमीशन कोई बाहरी व्यक्ति अंदर नहीं रहेगा। अब तो नहीं आनी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।